जिला कुल्लू की उझी घाटी के बड़ागरा नाले में बीते शाम के समय नहाने गए युवक का शव स्थानीय लोगों ने बरामद कर लिया है। वहीं पतली कूहल पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते शाम के समय कुछ युवक नाले में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन एक युवक नाले के पानी में बह गया। शाम से ही स्थानीय लोग व पुलिस कर्मचारी नाले में युवक के शव की तलाश कर रहे थे। सुबह के समय नाले से युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार वीरवार शाम पनगा निवासी 20 वर्षीय आर्यन अपने दोस्तों के साथ बड़ागरा नाले में नहाने गया था। जैसे ही वह पानी में उतरा तो अचानक पानी की तेज लहरों के साथ नीचे की ओर बहने लगा। कुछ ही देर में वह पानी की लहरों में गुम हो गया। घटना के बाद दोस्तों ने इसकी खबर उसके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तथा युवक को खोजने में जुट गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान शुरू किया। एसपी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि युवक का शव बरामद कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों के किनारे जाने व उसमें नहाने से बचे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला।